नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे देश में आज़ादी के पूर्व कई रेलवे लाइनों का निर्माण क्षेत्रों में हो चुका था तथा विभिन्न रेलवे लाइनें विभिन्न प्रकार के गेज के साथ में चलाई गई, जिसमें मीटर गेज, नेरो गेज तथा ब्रॉड गेज की रेलवे लाइनें शामिल है। दुर्गम क्षेत्रों में कम लागत वाली नेरो गेज लाइनें बिछाई गई, जिन्हें कि बाद में परिवर्तित करके ब्रॉड गेज में बदला गया, या तो फिर वे लाइनें हमेशा के लिए घाटा देने की वजह से बंद कर दी गई। ऐसी बहुत से उदाहरण देश में विभिन्न रेलवे लाइनों के हमें मिल जाएंगे, जिन पर लागत वसूल ना होने की वजह से वे अब काल के गाल में समा चुकी है। लेकिन आज हम जिस रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं, वह छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख नगर राजधानी रायपुर के नज़दीक स्थित है, जो कि करीब 120 साल पुरानी रायपुर, धमतरी और अभनपुर राजिम रेल लाइन है। इस रेलवे लाइन आमान परिवर्तन के लिए सेंक्शन कर लिया गया है। इस रेलवे लाइन के इतिहास की बात करें तो वर्ष 1900 में यह रेलवे लाइन परिचालन हेतु जनता के लिए समर्पित हो गई थी। तब से लेके अब तक करीब 2 साल पूर्व तक इसने क्षेत्रवासियों को अपनी सेवाएं दी तथा 2 साल पूर्व नेरो गेज से ब्रॉड गेज में बदलने के लिए तत्कालीन रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने शिलान्यास किया था। 67 किलोमीटर की लंबाई वाली अभनपुर राजिम और केंद्री से धमतरी के बीच आमान परिवर्तन का कार्य 30 मई 2018 को स्वीकृत हो चुका है। 544 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की स्वीकृति के साथ भूमि अधिग्रहण वर्तमान में चल रहा है। कुछ जगहों पर नेरो गेज की पटरियां भी उखाड़ दी गई हैं, साथ ही कई जगह पर अधिग्रहण अभी बाकी है। पूर्व में इस रेलवे लाइन के गेज परिवर्तन हेतु कार्य काफी धीमी गति से चल रहा था, लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा हस्तक्षेप के बाद में अब इसमें गति आती दिख रही है। इसी हफ्ते बिलासपुर से इंजीनियरों की टीम ने संबंधित नेरो गेज स्टेशन पर पहुंचकर नक्शा लेकर सर्वे किया। रेलवे स्टेशन एरिया का प्लेटफार्म पर खड़े होकर नक्शे के माध्यम से जायजा लिया। इससे क्षेत्रवासियों में रेलवे लाइन के निर्माण शुरू होने की उम्मीद जागृत हो गई है। 23 गांवों के 13.84 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी इसी हफ्ते से शुरू हो गई है तथा विज्ञापन प्रकाशित करके अधिग्रहण की जाने वाली जमीन के बारे में सूचना दे दी गई है। साथ ही ब्रॉडगेज के लिए स्लीपर और पटरियों की खेप भी जगह जगह पर आ चुकी है। कुछ जगहों पर इन्हें बिछाया भी गया है। करीब 25 लाख के करीब आबादी को इस रेलवे लाइन के बनने से फायदा होगा। वहीं वर्तमान में सड़क यातायात पर निर्भर लोगों को काफ़ी राहत पहुंचेगी। राजिम एक धार्मिक स्थल है, जहां पर पुन्नी मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों दर्शनार्थी पहले रेल के माध्यम से व सड़क के माध्यम से जाते थे। बड़ी लाइन डलने से यहां के लोगों को आने जाने में आसानी होगी तथा दर्शनार्थियों की संख्या भी बढ़ेगी। 2 साल पूर्व 6 अक्टूबर 2018 को इसके शिलान्यास के बाद इसके काम को 2022 में बनाने का लक्ष्य तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री जी ने रखा था, लेकिन वर्तमान में इस रेलवे लाइन का काम ठीक तरह से शुरू नहीं हुआ है। कहीं कहीं किसानों को मुआवजा भी नहीं मिला है। कुल मिलाकर यह प्रोजेक्ट आने वाले समय में देरी के साथ में ही पूरा होगा। इस रेलवे लाइन के बनने से बड़ी लाइन पर ट्रेनों की गति 120 किलोमीटर घंटे के आसपास होगी तथा एक से दूसरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। राजिम व धमतरी के छोटे किसान अपनी उपज को रायपुर मंडी आसानी से पहुंचा सकेंगे। माल ढुलाई होने से भी राजस्व की प्राप्ति होगी तथा कुल 10 रेलवे स्टेशनों का निर्माण इसमें किया जाएगा, जिसमें कि केंद्री, अभनपुर जंक्शन, चटोद, सिर्री, कुरुद, सरसापुरी, सांकरा पैसेंजर हाल्ट व धमतरी टर्मिनल मानिकचोरी व राजिम स्टेशन शामिल है। देखने वाली बात यह है कि क्षेत्रवासियों को इसके कार्य शुरू होने के बाद कितने समय के पश्चात रेलवे लाइन पूरा होने की सौगात प्राप्त होती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।